हम खड़े हैं हावड़ा स्टेशन पर और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का हावड़ा में पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं हावड़ा में कि कब ट्रेन चालू हो जाएगी और कब हम लोग को जाने की राहत मिलेगी। जो यहाँ पर जो यात्री हैं वो जो यहाँ पर बुरी तरीके से फंसे हुए वो भी उनको भी एक आस लगा हुआ है कि ट्रेन चालू होने से कभी न कहीं राहत मिल जाएगी। ये इलाहाबाद से आए हुए हैं, इलाहाबाद से कोलकाता के लिए आ रहे थे कि रास्ते में अचानक गाड़ी बंद हो गई और बुरी तरीके से फंस गए हैं। क्या नाम है, कहाँ से आ रहे थे? सर मैं राहुल अग्रवाल हूँ और मैं इलाहाबाद से आ रहा हूँ इस वक्त, और बीच में रात गाड़ी रुक गई जो 100 किलोमीटर पहले यहाँ से, तो मैं जैसे तैसे करके अपना मैनेज करके यहाँ तक आ गए, सोचते कि चलो यहाँ से कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा ट्रेन का, लेकिन यहाँ से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कल से शाम से मैं ना बैठा पाऊँ और बिल्कुल भी ऐसी हालत हो रही है कि मतलब यहाँ डंडे खा रहे हैं हम लोग और कुछ नहीं है। अगर हम रिक्वेस्ट मांग रहे तो डंडे ही मिल रहे हैं और कुछ नहीं मिल रहा कि भागो यहाँ से, तो हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ में। आप हमारे को तो पहुँचना है, जैसे भी तरह अपने घर पहुँचेंगे तभी जाके काम बनेगा सर हमारा। किस लिए आए थे, काम के लिए? सर एक्चुअली मैंने मन्नत मांगी हुई थी कि मैं गंगा दर्शन के लिए आऊँगा कुछ, तो इस चक्कर में मैं यहाँ आया था, तो गंगा सागर के लिए, तो वो मन्नत तो अब पूरी हो नहीं सकती क्योंकि पूरा जाम है सब कुछ, ठीक है। और जो काम वाम है हमारी रोजगार है वो भी सब बंद हो चुके हैं, आप भी जानते हैं कि अगले एक महीने तक तो कोई नौकरी है नहीं, कोई नहीं, कोई काम तो देगा नहीं आपको, तो ये नौकरियों का तो बहुत बुरा हाल हो रहा है इस वक्त। तो जो बोनस मिलने वाला था 31 मार्च का वो भी रुक जाएगा, क्योंकि कंपनी कहेंगे भाई हम तो बंद पड़े हैं, हमारे पास पैसे कहाँ से आए तुम्हें देने के लिए, हम तो दुकानें बंद करके बैठे हुए हैं, हमें कहाँ से मिलेगा कुछ, जब हमें नहीं मिलेगा तो हम तुम्हें क्यों देंगे। तो नौकरी जाने का बहुत डर है सर इस वक्त, जैसे तैसे करके आज के दौर में नौकरियाँ मिलती वो भी चली जाएंगी, तो वही सबसे बड़ी दिक्कत ये भी आएगी आगे चल कर, और आने वाली है ये दिक्कत, ऐसी नहीं है कि नहीं आएगी ये, तो वही कोशिश है। इलाहाबाद में आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर इलाहाबाद में मैं स्टेशन के सामने रहता हूँ, के वी नगर है वहाँ पे, उसके उधर रहता हूँ मैं, पीजी में रहता हूँ वहाँ पे, मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ, मैं इंटरनल ऑडिटर हूँ। मैं मेरा काम है कंपनी से पॉलिसीज वगैरह चेक करना, सबसे ये है नहीं है, सारे ऑपरेशन चेक करना।